हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड। सो गाइस, मैंने आपको कल ही बताया था अपनी वीडियो पे कि मैं आपके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लेकर आने वाला हूँ, तीन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज इस दिसंबर एक्सपायरी के लिए, जो आपको सॉलिड तैयारी करके चलनी है इस पूरी एक्सपायरी में, जो आपको कम इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। गाइज, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 6,000 है तो आपको 15,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 100% प्रॉफिट की गारंटी ये आपको तीन स्टॉक्स दे सकते हैं। सो गाइज, ये तीन स्टॉक्स में से दो स्टॉक्स जो हैं, जो दो ऑप्शन हैं, वो मैंने अपने पास खुद भी बाय करके रखे हुए हैं। जो एक है उसका मैं वेट कर रहा हूँ अपने प्राइस लेवल आने पे, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो पे ही बता दिया था कि G20 समिट जो हो रहा है, और जो भी एक्सपोर्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल के, रशिया चाइना जो रशिया के हैं, जो सऊदी अरेबिया हैं, और जो US के एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब लोग इस क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो फॉल कर रहा था, जो 59 पे आ गया था, वो ऐसा नहीं होने देंगे, इससे ज़्यादा और नहीं गिरने देंगे, और हम एक शायद अपमूव आते हुए देख सकते हैं। और हमने देखा कि आज सुबह ही वो 5% बढ़ गया। गाइज, मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि यहाँ से ये 65 तक जा सकता है, 62.50 तक तो ये जा चुका है, 5% के अंदर, एक दिन के अंदर ही बढ़ चुका है। इससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि HPCL, BPCL, IOC तक को हो सकता है, और अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि अगर आप उनके शेयर्स देखेंगे, HPCL के शेयर्स देखेंगे, BPCL के देखेंगे, तो ये लोग गिरे ही जा रहे हैं। पर IOC हमने देखा है कि IOC में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने जा रहा है, पर IOC इतना गिर नहीं रहा है। सो गाइस, अब हमें लगता है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस अब ऊपर बढ़ना शुरू होंगे, IOC में अब हमें गिरावट आते हुए देख सकते हैं। सो गाइस, IOC की मैं आपको पुट बाय करने की सलाह दूंगा। अब हम बात करते हैं NMDC के बारे में, ये सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको ये क्यों दे रहा हूँ चार्ट्स में, नहीं सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख को जो RBI की पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, वो अनचेंज आएगी जिस तरीके से लग रहा है मार्केट पे, तो उसमें हमें ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, अब हमें देखना है कि मार्केट को कैसे डिराइव कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 960 के ऊपर मार्केट के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और 740 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके रेंज में ही रहेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी की भी आपको मैंने जो रेंज बताई थी उसे के बीच में मार्केट ने आज अपने आप को कंसोलिडेट किया, ना 10,980 के ऊपर गया, ना 10,740 के नीचे गया, उसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। पर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बाय चांस 10,740 के आसपास मिलता है निफ्टी, तो आप 11,000 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, और ये आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है। सो गाइज, अब मैं बात करते हैं NMDC, मैकडोवल्स और IOC के बारे में। पहले बढ़ते हैं NMDC के बारे में, जिसमें आपको कॉल ऑप्शन बाय करके चलनी है, 110 की कॉल ऑप्शन बाय करके चलनी है, जो आपको 50 पैसे रुपये में मिल रही है। उसका टारगेट जो निकल के आ रहा है इस मंथ के एक्सपायरी के आसपास 3 से 4 रुपए का निकल के आ रहा है, और शायद अपर साइड भी आपको मिल सकती है NMDC के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 0 लगा के चलना है, लॉट साइज इसका 6,000 है, और यह जो आपको टोटल प्रॉफिट दे सकती है, या हम कह सकते हैं मिनिमम प्रॉफिट दे सकती है, 15,000 का दे सकती है। दैट मीन्स कि आपकी 3,000 की इन्वेस्टमेंट है, और आपको ये 15,000 तक का प्रॉफिट भी दे सकती है। अब हम बात करें NMDC के बारे में, तो NMDC में आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो इसका जो भी प्राइस चल रहा है अराउंड 97 या 98 के अराउंड चल रहा है, और 93 पे इसका बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, अगर हम कह सकते हैं तो 93 पे ही इसका डबल बॉटम बना है, बहुत अच्छे से डबल बॉटम इसने बनाया, और उसकी तरफ से हमने अपमूव आते हुए देखी है। सो गाइज, अब ये हमारे लिए बेस्ट चांस है NMDC को बाय करने के लिए। मैं देख रहा था कि कभी हमें थोड़ी और इसमें गिरावट आते हुए दिखती तो मैं इसे और बाय कर लेता, इसके मैंने 10 लॉट्स बाय करके रखे हुए हैं। तो गाइज, जिस तरीके से हमें लग रहा है कि NMDC परफॉर्म करेगा, तो ये आपको इस एक्सपायरी के अंदर अच्छे खासे रिटर्न भी आने वाले टाइम में दे सकता है। अब हम बात करते हैं IOC के बारे में, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ HPCL, BPCL बहुत अच्छे से गिर रहे हैं, IOC नहीं गिर रहा है, इसमें टोटल जो सेलर्स हैं, जो क्वांटिटी है सेलर्स की, वो सबसे ज़्यादा है। और अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें, तो उसमें हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा ओपन इसमें पुट में साइड में बन रहा है, और ये गिर नहीं रहा है, तो अब इसमें चांसेस हैं कि अब ये गिर सकता है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब वापस अपमूव की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो एक IOC का हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, 120 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, आपको 1.5 रुपीज़ में बाय करना है। जो टारगेट आपको मिल सकता है वो 7 रुपीज़ का मिल सकता है, स्टॉप लॉस आपको 0.30 का लगा के चलना है, और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें भी स्टॉप लॉस ना ही लगाइए तो बेहतर होगा।
लॉट साइज इसका 3000 है, ये भी आपको टोटल प्रॉफिट 15000 तक का तो आराम से दे सकता है। अब हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में। गाइस ये मैकडॉनल्ड्स का जो कॉल है ये भी मैंने कल ही सर्च करी थी, जिस तरीके से हमने देखा था मैकडॉनल्ड्स के अंदर हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था। सो गाइस ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। ये NMDC फर्स्ट नंबर पे है जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है, सेकंड नंबर पे हमें मैकडॉनल्ड्स रखना है और थर्ड नंबर पे हमें IOC रखना है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इसके अकॉर्डिंगली ही, सीरीज के अकॉर्डिंगली ही चूज करके रखिएगा। तो मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें तो 665 जो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट, जो 655 है बहुत बढ़िया सपोर्ट है मैकडॉनल्ड्स के लिए। एक लॉन्ग टर्म जो इस 655 के ऊपर नहीं निकल रहा था, कल के सेशन में उसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर लिया था। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की तो वो ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, और हमने कल के सेशन में मैकडॉनल्ड्स को 655 के ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए दिखा था और ये 685 तक भी चला गया था गाइस। सो गाइस अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये अभी 655 पे चल रही है और जो इसकी कॉल ऑप्शन है वो अभी 10 से 11 रुपए के आसपास चल रही होगी। जब ये आपको 655 के आसपास मिलता है, यानी कि अगर आज ये आपको थोड़ा बहुत डिप में मिलता है, यानी कि कल भी अगर आपको थोड़ा बहुत डिप में मिल जाता है, तो आप इसके 700 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, जो आपको 8 या 9 रुपए के बीच में ही बाय करके चलनी है। और एक एक्सपायरी के अंदर ये आपको 20 रुपए तक का भी टारगेट दे सकती है गाइस। स्टॉप लॉस इसका 4 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लॉट साइज जो इसका है 1250 शेयर का है और मिनिमम टू मिनिमम ये आपको 15000 का प्रॉफिट तो आराम से करा के दे सकती है। तो गाइज मैं अगर आपको प्रेफरेंस बताऊं तो सबसे पहले आपको NMDC रखना है, सेकंड नंबर पे आपको मैकडॉनल्ड्स रखना है और थर्ड नंबर पे आपको IOC ही रखना है। तो गाइज ये तीन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में आज कल ही डाल दी थी। गाइज IOC और NMDC तो मेरे पास है, मैकडॉनल्ड्स का मैं वेट कर रहा हूँ, और ये तीनों कॉल्स आप भी बाय कर सकते हैं, मैं भी बाय कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। तो हम सब मिलकर अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगे और ये चैनल अब आपको हर टाइम शॉर्ट टर्म कॉल्स देते रहेगा कि आपको कौन सी कॉल्स में ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और जो कॉल्स मैं बाय कर रहा हूँ वही मैं आपको बाय करवाऊँ और कोई भी हेजिटेशन के साथ आपके साथ प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कशन करूँ। गाइज आपके पास जो भी क्वेरीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ या ये फ्यूचर में एक्सपायरी के अंदर वेट करना चाहता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। पिछली आने वाली वीडियो के साथ ही उससे पहले ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। गाइज ये तीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी इसके साथ आपको ध्यान से वर्क करना पड़ेगा। ये मत देखिएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी इसमें कि अगर आपको एक दिन लॉस दिखा रहा है या दूसरे दिन लॉस दिखा रहा है तो मैं एग्जिट करता हूँ। ये आपको लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस ये आपको पूरे महीने की एक्सपायरी तक के लिए होल्ड करके रखना है। आपको बीच बीच में तो ये लॉस दिखाएगा पर आखिरी में जब एक्सपायरी आने वाली होगी तो ये आपको ह्यूज प्रॉफिट के साथ एग्जिट करवाने का मौका बहुत अच्छे से देगा गाइस। तो अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के रेंज के बारे में बताया था और चार्ट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था और शायद कौन से तरीके का पैटर्न डेवलप होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कि जो भी आपको मैं एक दिन बाद अगले दिन कौन से स्टॉक्स चलेंगे वो वीडियो आपके साथ बनाए रखूँ या आपको कोई और वीडियोस भी चाहिए जो मैं आपके साथ हर दिन शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कौन सी तरीके की मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता रहे। गाइस ज्यादातर लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप पांच रुपए से नीचे के कुछ स्टॉक्स बताइए या पेनी स्टॉक्स बताइए। गाइस ये स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप मुझे बताइए कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे इसके हिसाब से कॉल्स या इक्विटी में कैश में बताइए कि मैं क्या क्या बाय कर सकूं। ये पेनी स्टॉक से पीछे आप भागना बंद कर दीजिए कि मुझे 5 रुपए से नीचे के बताइए। आखिरी में लॉन्ग टर्म में जाके कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको प्रॉफिट दे जाए पर लॉन्ग टर्म पे ही ये आपको लॉस भी देते हैं गाइस। तो चैनल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे बताइए कि आपको किस तरीके की एडवाइस चाहिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा गाइज। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।